ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर श्रीमती एन राजम के साथ मेरी संगीत यात्रा की इस कड़ी में मैं उपस्थित हूँ। एन राजम जी नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। तो हमने कल सुना कि वायलिन में किस तरह भावों को उत्पन्न किया जा सकता है गायन के तरीके से। जी। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने उत्तर भारतीय शैली में बजाना शुरू किया तो आप पहले से ही कर्नाटक शैली में इतनी तैयारी से थी, बहुत कुछ सीख गई थी क्योंकि बचपन से ही आप बजाती थी, तो आपको किस तरह से परिवर्तन करने पड़े अपने वादन में, कुछ क्या इसकी टेक्निक में कोई ख़ास फ़र्क रहा? आपको याद होगा मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पिताजी ने वायलिन के क्षेत्र में बहुत काम किया था, अनुसंधान किया, खोज किया और लोगों के सामने नई बातों को, काफ़ी नई बातों को, बॉविंग को भी लेकर, फिंगरिंग को भी लेकर के काफ़ी बातों को लोगों के सामने रखा था। और अगर मैं ये कहूँ तो इसमें ज़रा भी अत्युक्ति नहीं होगी कि वायलिन का बेस्ट टेक्निक हमारे परिवार में उपलब्ध था। मतलब कोई विशेष घराना था आपका? वायलिन का बेस्ट टेक्निक उस समय जो प्रचार में था वो हमारे घर की बात थी। अच्छा अच्छा। और मैं जब हिंदुस्तानी की ओर मुड़ी तो मेरे पास वो टेक्निक उपलब्ध थी। मतलब उसमें काफी कुछ आप पारंगत भी हो गई थी। हम तो हाँ उसको लेकर के मैं हिंदुस्तानी क्षेत्र में आई और मेरे गुरुजी पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर जी से सीखने लगी। और जैसे मैंने कहा था कि वो रागों को कैसे एक एक फ्रेज लेकर के मुझे बताते थे और मैं उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करती थी। हाँ, तो गुरुजी एक एक फ्रेज करके बताते थे, उसको मैं वायलिन पर रिप्रोड्यूस करती थी। ये करते कराते मुझे किसी किसी जगह इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हिंदुस्तानी संगीत के कुछ बारीकियों के लिए मेरे पास जो टेक्निक थी, यद्यपि वो दक्षिण का सबसे बेहतर टेक्निक थी, वो पर्याप्त नहीं था कुछ बातों को निकालने के लिए। फॉर इंस्टेंस, ये हिंदुस्तानी संगीत की ये जो ताने हैं आकार में गाई जाती है, हाँ। तानों को हूबहू जिस तरह वो गले से निकल रहा है उसको निकालने के लिए मेरे पास उचित टेक्निक नहीं था, उतना ही वजन, उतना ही जोर देते हुए वो बजाने के लिए। तो मेरा अनुसंधान शुरू हुआ धीरे 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 करके। मुझे 15 साल लगे, 15 साल लगे कि हिंदुस्तानी संगीत को अच्छी तरह, जिस तरह गाया जाता है उतना ही भावपूर्ण, उतना ही रसपूर्ण, उतना ही इमोशनल ढंग से रिप्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्निक चाहिए था उसे ढूंढ निकालने के लिए मुझे 15 साल लगे। और अभी आपको सुन के अच्छा लगेगा कि इस समय मेरे पास जो टेक्निक है उसके चलते, यानी उसके माध्यम से हिंदुस्तानी संगीत की जो भी शैली है, जैसे कि ख्याल है, ध्रुपद है, धमार है, ठुमरी है, भाषण है, या नाट्य संगीत है, हाँ। टप्पा है, तराना है, सब कुछ जिस तरह गले से निकलता है हाँ। उसी तरह संभव है। मैं आपको एग्जाम्पल एक एक का देती हूँ। आप देखिए ध्रुपद का आलाप कैसे बजता है, नोमतोम कैसे बजता है। यद्यपि ध्रुपद मेरा फील्ड नहीं है, फिर भी मेरे पास जो टेक्निक है उसके माध्यम से ध्रुपद या ध्रुपद के आलाप या नोमतोम किस तरह बहुत संतोषजनक ढंग से बजाया जा सकता है, ये आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। अच्छा,
तो ये सुनते हैं, उससे पहले एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि जब आपने बचपन में सीखा तो आपके पिताजी शुरू में ही सीखने के 15-20 दिन बाद ही जो मुश्किल गमक और मींड़ जो है वो सिखा देते थे, जिसको वायलिन जानने वाले बहुत मुश्किल समझते कि ये कैसे हो सकता है। तो आप क्या समझती हैं कि जो भी चीज़ सिखाई जाए उसको सिखाने वाला अगर सही, यानी गुरु जो है आपको सही मिले, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं? तो पिताजी ने जो नींव डाली थी वो तो इतनी पक्की थी और जितनी सही थी, वो था मेरे पास, तभी जा कर के मैं आगे का काम कर पाई। हाँ, रही बात गुरु की, सही गुरु की बहुत आवश्यकता है और विद्यार्थी भी होनहार होना चाहिए। केवल ये दोनों मिलने से काम नहीं चलता है, साधना के लिए भी तैयार होना चाहिए। मतलब तीन बातें जरूरी जी, हैं बिल्कुल बिल्कुल, सीखने में, तीन बातें कि अच्छा गुरु होना चाहिए और आप विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी मतलब सीखने का ढंग इच्छुक का, होना चाहिए, बिल्कुल, और साधना, साधना होनी बिल्कुल। चाहिए। हाँ आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि मैंने जो 15 वर्षों तक काफ़ी काम करके जो टेक्निक विकसित किया था, उसके माध्यम से हिंदुस्तानी कंठ संगीत के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि ध्रुपद है, धमार है, ख्याल ख्याल है, है, ठुमरी है, टप्पा टप्पा है, है, नाट्य संगीत, तराना सब है जी। इस टेक्निक के माध्यम से हूबहू जिस तरह गले से गाया निकलते जाता है हैं। वैसे हाँ संभव है। मैं थोड़ा सा आपको इसके नमूने दिखाती हूँ। जी, पहले देखिए ध्रुपद का आलाप, ये हुआ ध्रुपद का आलाप। आलाप के बाद दूसरा स्टेज है नोमतुम। नोमतुम नोमतुम में भी पहले मध्य लय, केवल बहुत नमूने ही खूब, है। बहुत खूब। अब इसके बाद जो है बंदिश प्रस्तुत की जाती है। पहले मैं गान बजाती हूँ, हाँ फिर उसके शब्द में बताती हूँ आपको। हाँ चौताल में है जी जी आदित्य जी, चलिए।
के शब्द सुनिएगा। नीर भरे नील बरन, नीर भरे नील बरन, नीर धार धारा समीर, नीर धार धारा समीर, धावत उनम आपने देखा कि द्रुपद किस तरह द्रुपद के आलाप नोम तोम जी नोम तोम की पहली स्पीड और दूसरी स्पीड वगैरह हाँ। जिस तरह गले से निकलता है वैसे संभव है। वैसे जो गायन सीखते हैं उनके लिए द्रुपद गाना सबसे मुश्किल होता है, बहुत आवाज में दम चाहिए, तो उसी तरह क्या बजाने में भी ज्यादा स्किल चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह ध्रुपद को प्रस्तुत करना चाहिए वो मन में उसकी छवि बैठ जानी चाहिए। जी हाँ, जब मन में बैठ जाती है तो किस तरह प्रस्तुत किया जाएगा वो अपने आप आ जाता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं है, करने की बात है। जैसे शब्द मैंने बताया नीर भरे नील भर बरन, हाँ देखिए ना शब्द कैसे निकलते हैं, यानी वर्ण कैसे निकलते हैं। हाँ। दो बो, बो को एक नी के लिए एक तरफ बो, हाँ। नी हुआ, हाँ। नीर, हाँ। भरे, नील बरन, ये बो जो है जैसे हाँ। जैसे सिलेबल है एक एक सिलेबल के लिए एक उसको घुमाना चाहिए, हाँ, और पूरा पूरा घुमाना चाहिए। हाँ, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया हमारे सुनने वालों को भी। और अभी तो जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आपने जो गायन के सभी प्रकार हैं उनको हूबहू वॉयलिन में उतारा है, तो आगे हम और भी सुनेंगे, पर आज का क्योंकि समय पूरा होता है तो आज अपनी बातचीत और वादन को यहीं विराम देना होगा। तो श्रोताओं आज बस इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, कल चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा, संगीत सरिता में अभिया, सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुन रहे थे। तबला संगत की आदित्य कल्याणपुर ने, तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Da ba da ni da da, da ba da ni da.